गुड गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, उसके बाद गाइस हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का गाइस जो हमारा जो लेक्चर है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूपी जीके का जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा, और कल से अगर मैं बात करूँ तो यूपी की पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी इसके बारे में हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस जो भी है शेड्यूल आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दें कि ऑडियो और वीडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा, आप लोग मुझे सुन पा रहे क्लियरली या नहीं, देन गाइस मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग शिवानी, सागर, सुमित, ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के लेक्चर के बारे में बात करूंगा अगर मैं, तो देखो पूरी की पूरी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मेरा नाम अनुराग है और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सारे सब्जेक्ट आपको कराता हूँ। और गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से। और गाइज यहाँ पर अगर गाइज हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन ज्योग्राफी, और गाइज आज मैंने मिडवल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है। और आप चाहो तो गाइज यूट्यूब में जाकर के आज मॉर्निंग में जो 10 AM पे था वो आप लोग लेक्चर देख सकते हो। और गाइज जब भी आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NG11 जो कि आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। हाँ जी गाइस, तो एक बार मैं कमेंट को देख लेता हूँ उसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। गुड इवनिंग नितेश, अमरवीर, हर्षिता, राजन, मोहम्मद आसिम, रंजीत, ओके गाइस, ओके शिद्दत से वेट कर रहे थे इस क्लास का। बिल्कुल गाइस हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यार अगर मैं गाइस बात करूँ तो आप लोगों को प्लस में लाइव सेशन देखने को मिलेंगे, आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो, हर लेक्चर का आपको वहाँ पे PDF भी अवेलेबल होगा, क्रैश कोर्स भी वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, वीकली टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लासेस अवेलेबल होंगे। तो ये सब एडवांटेज है प्लस के। इसके अलावा गाइस मेरे पुराने लेक्चर्स वो भी आप देख सकते हैं, और जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स उनको भी आप बहुत ही आराम से प्लस पे देख सकते हैं। गाइस ये अनअकैडमी मेरी प्रोफाइल है, तो आप अनअकैडमी के ऐप में गाइस सर्च मार लीजिएगा SSC कैटेगरी में अनुराग 08 और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। गाइस जल्दी इसमें मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा स्पेशल क्लास में जो कि सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से फ्री होगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो स्पेशल क्लास में मैं गाइस बात करूँ करंट अफेयर भी कराऊंगा और एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक का, बहुत अच्छा सेशन होगा वो भी। और गाइस इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप @अनुराग GS भी फॉलो कर लेना। और यहाँ पर गाइस डेली अगर मैं बात करूँ 10 PM पे हम लोग अब बिल्कुल करेंगे, आज से गाइस क्विज डेफिनेटली हम लोग करेंगे, 10 PM पे हम लोग यहाँ पे क्विज करेंगे। ठीक है गाइस, हाँ जी, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करेंगे किसके साथ में गाइस, हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन टू UPGK ये हमारा गाइस आज का सेशन हो जाएगा। गुड इवनिंग वैभव, तो गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हो गाइस ये यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बनारस यहाँ पे दिख रहा है और ये इंडिया का हमारा मैप है, ये हमारा भारत देश है गाइस। देखो आज मैं बस बेसिकली बेसिक बताऊंगा यूपी के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है ना, और बेसिकली इसके बारे में लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, मैं पूरी तरीके से इसके ऊपर बात करूंगा आपसे। और ये रहा गाइस हमारा यूपी, ये रहा गाइस हमारा यूपी, तो ये पूरा का पूरा गाइस मैं बात करूं ये आप लोग के साथ में मैं कवर करने वाला हूं। और यहां पर गाइस आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जितनी बातें मैं करूंगा ना इसको बहुत ध्यान से आप सभी लोगों को सुनना है, ठीक है। हाँ जी, तो चलो गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस ये जो आप देख रहे हो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड है, ये सर लो यहाँ पे गाइस आपका हरियाणा है, और साथ में ये जो छोटू दिख रहा है ये यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर गाइस अगर आप लोग बात कर रहे हो तो ये है आपका राजस्थान, यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें तो ये है मध्य प्रदेश, ये रहा गाइस छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये रहा आपका झारखंड, ठीक है, ये रहा गाइस बिहार। तो अगर आप काउंट करो यहाँ पे गाइस 1 2 ये सर लो 3, दिल्ली को कर लो 4, राजस्थान को कर लो 5, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे बात कर लेते हैं 7, यहाँ पे देख लो 8 और बिहार 9। तो गाइस जो यूपी है अभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको अगर बताऊं गाइस तो 9 ऐसे स्टेट और टोटल मतलब 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। और गाइस हम लोग बात करें तो ये नेपाल के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, बिल्कुल। हाँ जी, तो बिल्कुल गाइस हम लोग सेशन को अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो एक काशी है बिल्कुल, तो अब गाइस हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बस एक यूपी कहाँ पर ये मैं आपको बता रहा था, धीरे धीरे हम लोग पूरी बात बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं यूपी के बारे में। आइए गाइस सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब गाइस अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले सामान्य जानकारी जनरल इन्फॉर्मेशन यूपी की हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था ये यहाँ का बैकग्राउंड है इसके कारण में इशू आ रहा है। तो गाइस हम लोग बात करें तो यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें तो ये रहा यूपी जैसा कि मैंने आपसे बात की थी।
और अगर गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ठीक है। अगर गाइस हम लोग ध्यान से रखेंगे तो ये रहा यूपी, आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। अगर गाइस मैं यूपी के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग ध्यान से देखना जो भी बातें अभी आपको दिखाऊंगा। ये गाइस यूपी का टोटल एरिया है, ये एरिया है टोटल यूपी का, ये आपको याद रखने की जरूरत कतई नहीं है। एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जनरल इन्फॉर्मेशन के मैं बात कर रहा हूँ। यूपी गाइस कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को स्टैब्लिश हुआ था, ध्यान में रखना है। अभी नेम के ऊपर नहीं जाएंगे कि पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम यूपी पड़ा, अब इसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसकी तरफ हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है ना, आएगा उसका भी समय आएगा। अब गाइस अगर मैं बात करूँ यूपी की टोटल लेंथ कितनी है, ये पूरा अगर गाइस हम लोग बात करें, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना, यूपी की टोटल लेंथ कितनी है नॉर्थ से साउथ, अगर हम लोग बात करें नॉर्थ से साउथ, इसका लैटिट्यूड कितना है और इसकी लेंथ कितनी है, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस अगर मैं बात करूँ नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाओगे तो यूपी के बारे में गाइस, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कितना 23 डिग्री एंड 52 मिनट नॉर्थ, यस और नो। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपके साथ बहुत काम किया है। और अगर गाइस मैं बात करूँ ये लगभग लगभग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक सेकेंड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ से चालू होगा बेसिकली, एक्चुअली बात करें तो 23 जो है वो नीचे आएगा, इसको मुझे यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब ये प्रॉपर हो जाएगा, डन। हाँ तो गाइस हम लोग बात करें, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 23 डिग्री एंड 52 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर के ये जाएगा आपका 30 डिग्री एंड 24 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। बिल्कुल कोई बात नहीं, लेट हो गए शहबाज, कोई दिक्कत नहीं, यस ना, बिल्कुल। हाँ, 8 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी के साथ में बाउंड्री शेयर करेगा, और ये मैं आप लोग को बिल्कुल दिखा चुका हूँ, अभी मैं आप लोगों से और ज्यादा बात करूंगा इसके बारे में। अब गाइस अगर हम लोग बात करें लेंथ की, हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग विड्थ की बात कर लेते हैं, चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो ये गाइस आपको देखने को मिलेगा 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से, ये यहाँ पे ये वाली लाइन है, और ये कहाँ तक जाएगा गाइस, ये जाएगा 84 डिग्री 8 मिनट ईस्ट तक। टेंशन मत लो, अभी पूरा का पूरा मैप भी आपको आगे दिखाऊंगा, सब कुछ आपको कराऊंगा बेसिक से। अभी बिल्कुल मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं इतना बता देता हूँ गाइस, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ के पीएससी में भी ना जो एग्जाम आते हैं वो इंडिया ओरिजिन के ज्यादा आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सब वो चीज पढ़ लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। हाँ जी, अब अगर गाइस हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हम लोग अगर फोकस करें तो कैपिटल क्या है गाइस यूपी की, बताओ। ये भी एक जर्नी रही है, बट इस समय गाइस कैपिटल क्या, लखनऊ। आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों यूपी का ध्यान में रखना है। इसके बाद गाइस मैं बात करूं तो ये कैपिटल है आपकी लखनऊ यूपी की। देन गाइस हम लोग अगर बात कर लेते हैं यूपी की लेंथ कितनी है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो 240 किलोमीटर गाइस यूपी की लेंथ है, यस और नो। और अगर गाइस हम लोग बात करें यूपी की विड्थ कितनी है, तो 650 किलोमीटर आपको यूपी की गाइस विड्थ देखने को मिलेगी। तो ये दोनों बात आपको भूलना नहीं है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको ध्यान में रखना है, और ये आपको अपने आप याद हो जाएगी अगर आप लोग क्या याद रख लोगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद रखोगे। तो अगर मैं गाइस बात करूं स्वाति, ये बेटा ये किसके रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड एग्जाम होंगे उनमें आएगा, एनटीपीसी में आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि सीएचएसएल के लिए, है ना। मैं अगर बात करूं तो सीएचएसएल से इसमें ऐसा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हाँ इसमें जो मैं कुछ पॉलिटी से रिलेटेड टर्म जो कराऊंगा वो सब आपको देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, जो भी जब मैं यूपी की कराऊंगा ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो भी सेशन होगा और वो आप लोग को सबको देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपका पूरा का पूरा रिवाइज भी होगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो मैं आपको देखना जो भी चीजें बताऊंगा उसको बस बहुत ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। हाँ जी, अब अगर गाइस हम लोग बात करें तो यहां तक मैंने जो आपको बताया, इसमें कोई किसी भी बच्चे को कोई इशू है तो मुझे एक बार बता दो यार, है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा हो तो मुझे एक बार बता दें, इसके लैटिट्यूड में, इसके लॉन्गिट्यूड में, इसके लेंथ में, इसके विड्थ में, ठीक है। ये मैंने अभी बेसिक बताया है, और टेंशन मत लेना आगे जा करके मैं ये पूरा का पूरा बताऊंगा। तो ये आपकी लेंथ है और ये इस तरीके से आपकी विड्थ है, इस तरीके से आपकी विड्थ है, तो 650 आपकी विड्थ है और लेंथ है आपकी 240 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब गाइस अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो अगला पॉइंट की तरफ हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखिएगा क्लाइमेट गाइस, अब आपको ये बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं कि यूपी का क्लाइमेट कैसे होगा, बताओ। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही होने वाला है, उष्णकटिबंधीय जलवायु ही होने वाली है, क्यों, क्योंकि यार ये तो देश की ही है ना। तो
ट्रॉपिकल मानसून या फिर मैं गाइस बात कर सकता हूँ जो ट्रॉपिकल या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु है ये बनेगी उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। ये किसकी मिलेगी? उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की। ये आपको गाइस हम लोग बात करें तो क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यस और नो? इस बैकग्राउंड में क्या वाकई में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है क्या ब्लैक बैकग्राउंड में? तो मुझे बता दो यार, कभी मैं व्हाइट करता हूँ तो आप लोग बोलते हो कि ब्लैक कर दो, अब मैंने ब्लैक पे चालू किया तो फिर यार थोड़ा सा मुझे बताओ आप लोग कि कौन सा बैकग्राउंड आप लोग को बेटर लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा काम तो यह कि आपको बेटर अच्छे तरीके से विजुलाइज करा पाऊं चीजों को, यही मेरा वर्क है बेसिकली। अब गाइस हम लोग बात करें यूपी में राज्यसभा की सीटें मैक्सिमम है और ये कितनी गाइस? 31। किसी भी स्टेट में गाइस अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम सीटें राज्यसभा में यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट में कहां पर है गाइस, तो याद रखना यूपी में ही है। ओके ठीक है ना। देन गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगला देख लेते हैं, लोकसभा में भी गाइस याद रखना यूपी में ही सीटें मैक्सिमम है और यूपी में जो लोकसभा में सीटें वो कितनी गाइस? 80 है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। विधानसभा में भी गाइस सीटें मैक्सिमम है यूपी में, जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलोगे, और कितनी है गाइस? 403 सीटें होती है विधानसभा में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यह क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको ये क्या होता है गाइस अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाते समय बताया था, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। और अगर गाइस हम लोग बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद में भी सबसे ज्यादा सीट जहां पर है वो यूपी में ही है और कितनी सीटें हैं? 100। याद रखना कितनी सीटें हैं? 100। और विधान परिषद कौन से आर्टिकल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जाम में बार बार आता है, ये है आर्टिकल नंबर 169 में है, बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। और विधानसभा 170 में है, लोकसभा अगर गाइस हम लोग बात करें तो 81 में है और राज्यसभा 80 में है, तो ये भी याद रखना। अगर गाइस हम लोग बात करें यूपी में टोटल डिवीजन कितने हैं, यूपी में टोटल मंडल कितने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूपी में टोटल मंडल है गाइस 18 और इन्हीं मंडलों में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो हो जाएंगे 75। ये इस बार का जो अलाहाबाद हाईकोर्ट का रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम था उसमें पूछ लिया गया था कि भाई साहब ये बता दीजिए कि यूपी में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो अगर गाइस मैं बात करूं डिवीजन 18 है और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले हैं 75। आगे चल करके मैं पूरा बताऊंगा कि सबसे नया जिला कौन सा है, ये सब कुछ अपन लोग बात करेंगे, पर ये बस एक जनरल इंफॉर्मेशन है। डिवीजन को हम लोग हिंदी में मंडल बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपर हाउस किसको बोलेंगे? राज्यसभा को। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को, ठीक है ना। और अगर गाइस हम लोग बात करते हैं स्टेट में अपर हाउस किसको बोलेंगे? इसी को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और लोअर हाउस किसको बोलेंगे? विधानसभा को, बिल्कुल ठीक है ना। आप बिल्कुल बात होगी नितिश, टेंशन मत लीजिएगा। मंडल क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी जब मैं यूपी की पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं मंडल वंडल क्या होता है एक एक चीज करके बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है, अभी आप इतना समझ लो कि मंडल क्या होता है, जो जिले होते हैं। देखो इसको आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ बेसिकली होता क्या। देखो जिस तरीके से गाइस बहुत सारे जो ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना, उनसे मिलकर के गाइस क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट बनता है, यस और नो? तो उसी तरीके से गाइस बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनसे मिलकर के डिवीजन होता है, उनसे मिलकर के डिवीजन बनता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला दोगे तो क्या बनेगा? डिवीजन बनेगा। अब पूरे 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको अलग अलग डिवीजन में रखा गया है, तो आप बोल सकते हो 75 डिस्ट्रिक्ट को टोटल 18 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, यस सर नो? बिल्कुल। अगर मैं गाइस बात करूं तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो वीडियो है मैं इसको इंडिया से कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली अगर आप इसको देखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको कहीं से कोई भी लॉस नहीं होने वाला। यूपी देख करके घबराओ मत, यस सर नो? ये जो चीजें हैं ये आपके प्रॉफिट में होंगी, आएंगी ही, एग्जाम में आना ही आना। जो बच्चे इसको छोड़ रहे हैं वो डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ मिस करेंगे, क्योंकि मैं चीजों को बिल्कुल कनेक्ट करके बताऊंगा और आपको ही समझने में आसानी ही होगी चीजों को, ठीक है। हाँ जी, अब अगर गाइस हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो गाइस अभी हम लोगों ने बात किया था, ये क्वेश्चन बताओ ये आपके एसएससी में बहुत बार आ चुका है, यस और नो? ये क्वेश्चन एसएससी में कितने बार आया आप भी नहीं जानते, है ना, बहुत बार आ चुका है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश शेयर इज बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी। और अगर गाइस हम लोग बात करें कि ये एग्जाम में आ चुका है कई बार, और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि यूपी जो है 8 स्टेट के साथ में और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या दिल्ली, इनके साथ में जो है बाउंड्री को शेयर करता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी है ना,
तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें यूपी जो है नॉर्थ में, गाइस हम लोग बात करें तो किधर बॉर्डर टच करता है, तो याद रखना है उत्तराखंड में, है ना। अगर गाइस हम लोग बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर इसका किसके साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में, ये मैंने मैप में अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। अगर गाइस मैं बात करूं ईस्ट में, तो ईस्ट में बिहार और झारखंड से टच करेगा, बिहार और झारखंड से टच करेगा, तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो। देखो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है, बिहार और झारखंड के साथ भी आपको बॉर्डर देखने को मिल गया, यस सर नो। उसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करें, ठीक है ना, ये उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ध्यान दो तो टोटल अभी तक अगर मैंने आपको जो करा है कितनी नंबरिंग कर दी, 4 तक कर दी है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, वेस्ट में जाओगे गाइस तो हरियाणा, यस सर नो, दिल्ली और क्या हो जाएगा राजस्थान, इसके साथ में भी बाउंड्री शेयर करेगा। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें तो फिर अगर आप साउथ में जाओगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में भी बाउंड्री शेयर करेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, धीरे धीरे सब कुछ बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। और इंटरनेशनल बाउंड्री बिल्कुल शाहरुख किसके साथ में है, नेपाल के साथ में है, अभी मैंने आपको बताया है, पर टेंशन मत लीजिएगा, यूपी की ज्योग्राफी में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और जो भी मैं ये नोट दूंगा, पीडीएफ दूंगा, ये मैं ये टेलीग्राम में आपको अवेलेबल होगा, आप लोग इसको यूज करिएगा गाइस और शेयर करिएगा लेक्चर्स को, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो लेक्चर्स होने वाले बहुत ही अच्छे कराऊंगा मैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जो बच्चे इंडिया लेवल का पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब अगला क्वेश्चन है गाइस, स्टेट शेयरिंग लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ यूपी, तो गाइस बताओ यूपी के साथ में सबसे ज्यादा, यूपी के साथ में सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है। अब आप बताओ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो यूपी के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री जो है गाइस वो किसकी है, मध्य प्रदेश की है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यूपी जो है वो मैक्सिमम जो अगर बात करें गाइस जो इसकी बाउंड्री का शेयर है वो सबसे लंबा जो शेयर है वो किसके साथ में, यूपी का, मध्य प्रदेश के साथ में। इस पॉइंट को बिल्कुल रट लेना, एग्जाम में आएगा। अगला देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ में गाइस, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए शॉर्टेस्ट बॉर्डर सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शॉर्टेस्ट किसके साथ में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ में, है ना। तो यार एक बार मुझे आप लोग बता दो कि सब सही चल रहा है ना, आपको ये तो नहीं लगा कि सर क्या करा रहे हो। देखो यार ये फर्स्ट क्लास है, तो बस जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं यूपी का, और जो टॉपिक्स हैं क्या पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो ये जब मैंने कल की क्लास ली थी तो वो सारे स्टेट के लिए कॉमन था, तो मैंने अलग से वही चीज यहाँ पे बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि कल की क्लास में मैंने पहले ही वो सब चीजें आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है, तो क्यों मैं आपका टाइम खराब करूं, वो बिल्कुल भी गलत होगा। यस सर नो, दैट्स व्हाई गाइस मैंने आपको दोबारा वही चीज ना करा करके सीधे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया आप लोग के लिए। अब गाइस अगर हम लोग बात करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था, ये वही बात है, ठीक है ना। ये मैंने अलग से यहाँ पे इसलिए दिखाई कि आपका फटाफट से रिविजन हो जाए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत इशू नहीं आएगा। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी की डेमोग्राफी की तरफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी की थोड़ी सी डेमोग्राफी की तरफ, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब अगर गाइस मैं बात करूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या होता है, यूपी का सेक्स रेशियो, जिसको आप हिंदी में लिंगानुपात बोलते हैं। यूपी का सेक्स रेशियो कितना है गाइस, 912, यस और नो, 912। और अगर गाइस हम लोग बात करें इसके अलावा, अगर गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यूपी का जो सेंसस है, जो जनगणना, यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम पक्का है। आगे चल करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा बस बेसिक बता रहा हूँ। टोटल जो पॉपुलेशन है वो यूपी की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना, अगर गाइस में बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 20 करोड़ के आसपास टच कर रही है, अब तो और ज्यादा हो चुकी है। अर्बन पॉपुलेशन आप देख सकते हो, रूरल पॉपुलेशन आप देख सकते हो, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से एक ही पॉइंट याद रखो, सेक्स रेशियो याद रखना है। और ये मेजर कैसे करते हैं, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, इसी का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। यस सर, बिल्कुल लेवल वही रखा है मैंने। अब अगर गाइस हम लोग बात करें, देखो ये मैं आज की फर्स्ट क्लास है, बेसिक है, पहले बता दे रहा हूँ। अब गाइस हम लोग बात करें यूपी का लिटरेसी रेट याद रखना है, तो 67.7% ये एग्जाम में आएगा। मेल लिटरेसी रेट गाइस हम लोग बात करें तो 77.3, और अगर गाइस हम लोग बात करें फीमेल तो ठीक है, बट आपको मेनली टोटल लिटरेसी रेट यूपी का ध्यान में रखना है। सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको एक बार अभी आपको डिटेल में कराऊंगा। सबसे ज्यादा गाइस जो जनसंख्या जहां पर निवास करती है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो उसका नाम है प्रयागराज, और सबसे कम जहां पे रहती है उसका नाम है महोबा। सबसे कम जनसंख्या कहां पे रहती है, महोबा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल डिटेल में करूंगा। सबसे कम जनसंख्या जहां पे रहती है वो प्लेस कौन सा गाइस, महोबा, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है किसके बारे में, प्रयागराज और महोबा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
ये जनरल इंट्रोडक्शन है गाइस, जो पहली बार आए हैं क्लास में वो टेंशन मत लीजिएगा, दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन ओनली, ठीक है ना। हाँ जी, और कल क्लास यूपी जीके की नहीं होगी, सैटरडे से क्लास रिज्यूम होगी। कल क्यों नहीं होगी गाइस, तो देर इज सम इशू है ना, मुझे एक्चुअली एक लास्ट बार ट्रीटमेंट के लिए जाना है डॉक्टर के पास। उसके बाद गाइस ट्यूनिंग में भी जो क्लासेस हैं, जो आपकी क्लासेस हैं प्रॉपर चलेंगी उसके बाद, ठीक है ना। कल बस एक बार और है, और क्या होता है ना बीच बीच में थोड़ा सा इशू है तो जाना पड़ता है, तो उसके बाद गाइस आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा क्लासेस में। पर हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास होगी जहां पर मिडवल हिस्ट्री को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यूपी की एजुकेशन से रिलेटेड। अब अगर गाइस हम लोग बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपसे अगर पूछ लिया जाएगा इस ना फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है यूपी की, अगर हम लोग बात करें गाइस यहाँ पे जो यूपी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब आप सबसे पहले मुझे बता दो, आप में से कुछ बच्चों ने यूपी का पेपर डेफिनेटली दिया होगा, एक बार आप लोग मुझे बता दो कि क्या आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं या नहीं। उसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ, और इस समय गाइस मैं आप लोगों का कॉमेंट ही रीड कर रहा हूँ। एक बार आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं या नहीं, उसके बाद ही गाइस हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके ठीक है। तो देखो जितनी बातें मैं बोलूंगा इसको बहुत ध्यान से सुनते जाना, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाँ जी ठीक है, चलिए गाइस। तो बिल्कुल गाइस है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ओके देखा है, ओके ओके गाइस ठीक है। इंजीनियर गुरु निधि, नवनीत, रंजीत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ वो भी कर दूंगा बेटा, टेंशन मत लीजिएगा। एमसीक्यू के बारे में बात करूं तो वो भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज तो लखीमपुर खीरी है। अगर मैं बात करूँ शाहरुख, बिल्कुल हम लोग उसके ऊपर आएंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी की, वो कौन सी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है गाइस, यहाँ से बहुत ही ग्रेट ग्रेट लोग यहाँ से निकले हुए अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और यूपी की गाइस जो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर गाइस मैं लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो वो कौन सी है, बीएचयू, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन सा वो यूनिवर्सिटी गाइस जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गाइस हम लोग बात करें यूनिवर्सिटीज है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ। यस और नो? हाँ, स्मॉलेस्ट जो होगा वो संत रविदास नगर, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब अगर गाइस हम लोग बात करें, अगर बात करें गाइस ओनली ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है ना, अगर गाइस हम लोग बात करें एकमात्र यहाँ पे जो ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप लोग जानते हो, आपने इग्नू का नाम सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, तो वो क्या है गाइस, एक ओपन यूनिवर्सिटी होती। वैसे ही गाइस यूपी में भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ से ऑपरेट करती गाइस, ये अलाहाबाद से ऑपरेट करती है ना, जिसको आप प्रयागराज के नाम से भी आप जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है ना, जो गाइस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये भी कहाँ से चलता है, प्रयागराज से चलता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें ध्यान में रखनी है। और अगर गाइस हम लोग बात करें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना, अगर गाइस हम लोग बात करें सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड होता है वो कहाँ पर, वो भी आपका अलाहाबाद में ही है। सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड होता है जिसको हम लोग जानते हैं है ना, तो ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी आपको अलाहाबाद में ही देखने को मिलेगा। तो जितनी बातें अब तक मैंने बोली, बिल्कुल इन सारे बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और एक बार आप लोग कमेंट कर देना यार, और टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर आप ये क्या करा रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, एक एक करके सब चीजें मैं करा दूंगा, धीरे धीरे से सब कुछ करा दूंगा, उसका मत घबराओ, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, डेफिनेटली करेंगे, ओके। अब अगर गाइस हम लोग फर्दर मूव कर लेते हैं, अब अगर हम लोग गाइस फर्दर मूव कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला हमको क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा इसको देखते हैं। अब अगर गाइस हम लोग बात करें, ये फैक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन नहीं है, ये फैक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्री है। यस और नो? ये फैक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्री है। और यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करें कि लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी, तो वो कौन सा है गाइस, वो है आपका हैंडलूम। हैंडलूम आप समझते ही होंगे है ना, लार्जेस्ट जो गाइस हम लोग बात करें जो इंडस्ट्री है यूपी की, वो किस चीज से रिलेटेड है, वो हैंडलूम से रिलेटेड है। देन गाइस हम लोग बात करें मैनचेस्टर ऑफ यूपी, या फिर आप बोल दो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, दोनों ही केस में गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कानपुर। हम लोग ज्यादा एमसीक्यू के ऊपर फोकस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, कानपुर। देन गाइस हम लोग बात करें रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन। गाइस अगर मैं बात करूँ शुगर के प्रोडक्शन में रैंक क्या है, ये अगर गाइस हम लोग बात करूँ तो इसको एक बार आप लोग को देखना है।
ठीक है ना, शुगर के प्रोडक्शन में रैंक क्या है, क्योंकि ये जो है रैंक ये चेंज हुई है। अगर हम लोग गाइस बात करें, ठीक है ना, जो रैंक होती है ये आपको हमेशा चेंज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हम लोग को उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के ठीक पहले हमको एक बार देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अगर गाइस हम लोग बात करें रैंक, हम लोग को शुगर के प्रोडक्शन से भी याद रखना, तो ये अब चेंज हो चुका है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं। कोई मुझे बता सकता है कि इस समय नंबर वन कौन है? आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि शुगर के प्रोडक्शन में नंबर वन स्टेट अभी कौन सा है इंडिया में? शुगर के प्रोडक्शन में नंबर वन स्टेट कौन सा है गाइस, आप में से कौन बताएगा मुझे? ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, जब मैं ज्योग्राफी करा रहा था तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी करा के रखे हैं। यस सर नो? बिल्कुल हाँ जी। तो गाइस दो तीन चीजें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको अभी आप अगर मैं बात करूँ ये दोनों ही आप लोग को बताना है मुझे। हाँ बिल्कुल, लेदर कैपिटल बोलते हैं कानपुर को, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं वही आपको बोल रहा था, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये आपको क्या होने को मिलेगी, ये चेंज होती रहती है, तो ये अपडेट हो चुकी है, अभी चेंज हो चुकी है बिल्कुल। और अब गाइस हम लोग बात करें कॉटन टेक्सटाइल में थर्ड है ये रैंकिंग को, अभी आप लोग एक बार मिस इसको छोड़ देना, इसको मैं एक बार दोबारा से कराऊंगा सारी रैंकिंग को, एक अपडेटेड रैंकिंग जो इस साल का जो अगर बात करूँ जो फिर से जो बजट आया था उसके बाद जो आपका आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है ना उसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा से एक बार इसको करा दूंगा, एक बार इसको मैं दोबारा से करा दूंगा। जूट मिल जो है गाइस यूपी में ये कहाँ पर, इसको अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये गाइस आपको देखने को मिलती कहाँ पे, आपका कानपुर गोरखपुर इन सारे एरिया में आपको यहाँ पे जूट मिल आपको देखने को मिलेगी। हाँ इज ऑफ डूइंग नंबर टू, ठीक है हाँ बिल्कुल। तो इसका टेंशन मत लेना, इसका रैंक में एक बार दोबारा से कराऊंगा, जितनी भी प्रोडक्शन वाली रैंक है इसको अपन लोग वर्क करेंगे दोबारा से इस पर। हाँ अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर, ये जो अगर हम लोग बात करें गाइस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बिल्कुल गाइस आप लोग ना एकदम ध्यान में रख लेना है। प्लास्टिक सिटी किसको बोलते हैं? औरैया को बोलते हैं, ठीक है जानते ही आप। मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? जगदीशपुर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ लेदर इंडस्ट्री कानपुर इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल रबर प्रोडक्शन फैक्ट्री इन यूपी कहाँ पर है? बरेली, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करें जो फर्टिलाइजर है, जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है यूपी में कहाँ कहाँ पर है? गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, यस और नो, वाराणसी हो गया, या फिर गाइस मैं बात करूं प्रयागराज हो गया, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल। प्रोडक्शन का टेंशन मत लीजिएगा, उसको अपन लोग एक साथ कर लेंगे, उसका टेंशन ना लीजिए। देन गाइस हम लोग फर्दर मूव कर लेते हैं, आगे बात करेंगे। तो ये यहाँ से अवार्ड जो है ना ये एग्जाम में आते हैं कि भाई कौन सा अवार्ड जो है वो यूपी में पहले किसको मिला। तो देखो जनरल जनरल बात ही मैं आज करा रहा हूँ। फर्स्ट मेल रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड अखिल चंद्र मित्र, ठीक है ना। अगर मैं गाइस बात करूँ फीमेल में, गाइस हम लोग बात करें पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है, तो श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता को। हाँ बिल्कुल हाँ, गाजियाबाद में भी ओपन हो चुकी है, मैं बोल रहा हूँ इसको मैं एक बार इंडस्ट्री को दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। अगर गाइस हम लोग बात करें तो शांति स्वरूप जो भटनागर अवार्ड है, अगर गाइस हम लोग बात करें सॉरी यहाँ पे अगर गाइस हम लोग, तो पद्म भूषण अवार्ड जो है ये सबसे पहले किसको मिला? शांति स्वरूप भटनागर को मिला हुआ है। ये वेल नोन साइंटिस्ट भी थे, इनके नाम पे खुद एक अवार्ड है। अब अगर गाइस हम लोग बात करें द फीमेल रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण अवार्ड, देखो जितने भी अवार्ड है इनको ध्यान में रखना है, रामेश्वर नेहरू को मिला हुआ है सबसे पहले। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पद्म विभूषण के बारे में बात करें तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये खास करके इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गाइस ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू की बहन भी है, बिल्कुल डेटा पे अपन लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हर्ष केसरी जी क्या हुआ भाई बता दो एक बार। अब अगर गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान में रखना। प्रोडक्शन वाले डेटा पे अपन लोग एक बार दोबारा से देखेंगे, इस डेटा को आप लोग ध्यान से फोकस करो। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, ये एग्जाम में आता ही आता है, और ये पूरे इंडिया में फर्स्ट वुमेन गवर्नर यही है। अगर हम लोग गाइस बात करें गवर्नर ऑफ यूपी फॉर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? मोहम्मद सफी कुरैशी एंड बी एल जोशी, टू टाइम्स ईच, है ना। उसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी आपको ध्यान में रखना है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत याद रखना है। फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ यूपी बिल्कुल चौधरी नारायण सिंह, आपको ध्यान में रखना है ये भी पॉइंट। उसके बाद में गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन यूपी एंड इंडिया, यहाँ पर भी साथ में मैं लिख देता हूँ यूपी एंड इंडिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो सुचेता कृपलानी, अच्छा ये सारी पॉइंट हम लोग आगे हम लोग फिर से पढ़ने वाले, टेंशन मत लेना। यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें गाइस तो ये अखिलेश यादव, ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
और गाइस हम लोग बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है सीएम की पदवी जो है यूपी में किसको मिली है, तो मायावती। देन गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, यस और नो, तो वाल्टर मॉर्गन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर हम लोग गाइस बात करें, क्योंकि इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वो बिफोर इंडिपेंडेंस से चल रहा है, अब अगर गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट स्पीकर ऑफ असेंबली इन यूपी, तो आंसर क्या हो जाएगा, भूषण मलिक। आंसर क्या हो जाएगा, भूषण मलिक। यस और नो, हाँ जी ठीक है। देन गाइस हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मूव कर लेते हैं, अगला देख लेते हैं। फर्स्ट इन यूपी की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो अगला देख लेते हैं स्पीकर ऑफ असेंबली इन यूपी फॉर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस हम लोग अगर बात करें तो आत्माराम गोविंद खेर एंड केसरीनाथ त्रिपाठी, दोनों के बारे में गाइस बात करें तो 3 times each। देखो ये डेटा है यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो मुझे तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। और अगर गाइस अगर आप फर्स्ट चाहते हो कि ब्लॉक करूँ तो फिर बता देना यार, मैं ब्लॉक करवा देता हूँ, है ना, पढ़ाई पे फोकस कर लो यार, ठीक है। अगर गाइस हम लोग बात करें नेक्स्ट, अगर मत ध्यान दो बेटा उसके ऊपर, फर्स्ट लोकायुक्त इन यूपी के बारे में गाइस हम लोग बात करें, है ना, तो अगर गाइस देखो न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ये यूपी के फर्स्ट लोकायुक्त हैं। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, मोहम्मद असगर हैं। फर्स्ट अगर गाइस हम लोग बात करें चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन यूपी, तो चंद्रलाल। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क इन यूपी, तो जानते हो बख्शी तालाब लखनऊ। फर्स्ट डीएनए पार्क इन एशिया, इंपॉर्टेंट है ये, बायोटेक पार्क लखनऊ। देन गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट वाईफाई मोनूमेंट ऑफ इंडिया, तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ताजमहल। ताजमहल के बारे में गाइस यहाँ पे बात होगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ताजमहल के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी। देन गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट फिल्म सेंटर इन यूपी, तो नोएडा का गौतम बुद्ध नगर। और आप लोग जानते हो यार कि यहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो फिल्म सिटी है वो बनाया जा रहा है अब, ठीक। अब हम लोग फर्दर मूव कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं, अगला देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि जनरल फैक्ट शायद मुझे नहीं कराने चाहिए, मैंने जानबूझ करके इसलिए करा दी कि थोड़ा सा सब्जेक्ट में डीप में जाने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बस इसलिए मैंने ये स्टार्ट कराया था। अब गाइस हम लोग बात करें तो स्टेट एनिमल आपको याद रखना है बारहसिंगा, यस और नो। उसके अलावा गाइस आपको साइंटिफिक नेम भी इनका याद रखना है। देन गाइस फर्दर मूव कर लेते हैं स्टेट बर्ड सारस क्रेन, ठीक है। देन गाइस हम लोग बात करें स्टेट फ्लावर के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है एक एक करके मैंने आपको यहाँ पे सामने आपके रखे हैं, पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, सारे ही आएंगे। अशोका जो ट्री है गाइस ये आपका स्टेट ट्री है। देन गाइस ये था आज का पूरा लेक्चर, बिल्कुल हाँ जी, आज मैंने ज्यादा नहीं कराया, बस थोड़ा सा ही मैंने आप लोग को कराया है। हाँ बिल्कुल, मैं वो सब कुछ कराऊंगा, रिसेंट एंड लार्जेस्ट सारे पॉइंट आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज बस मैंने आपको बेसिक ही कराया है, इतना आप लोग रिवाइज करते जाइएगा, फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये रफ आइडिया के लिए ही मैंने डाला था, उसके बाद हम लोग एक बेसिकली इसको एक एक करके डीप में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और याद रखना है कि फोकस मैं वहां पर रखूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन कनेक्ट होंगे, और हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री को इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को भी कनेक्ट करके करेंगे, उतने लेवल तक हम लोग जाएंगे जो हमारे काम की चीजें हैं। आई होप आप मेरी बातों को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। हाँ जी, तो क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन भी हम लोग इसके ऊपर डेफिनेटली करेंगे। तो चलो गाइस आज का सेशन यहीं तक था, तो अगर गाइस आप प्लस में आना चाहते हैं तो आप यूज आपको क्या करना है, गोल में सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम, देन आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद गाइस सपोज करो 1 year की फी 6000 और 2 year की 7200, तो जैसे गाइस आप मेरा कोड अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देगा। और उसके बाद गाइस आपके सामने EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, और इसके थ्रू गाइस आप लोग पार्ट में पेमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, और किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, कोई भी सजेशन है तो आप दे सकते हो। हाँ बिल्कुल शाहरुख इनफ होगा, नवनीत निधि शिवानी वेलकम गाइस, है ना, बिल्कुल इनफ होगा बेटा, और क्वेश्चन आप देख लेना वहीं से आएंगे जो मैं कराऊंगा। हाँ PDF के लिए आप लोग टाइप कर लेना @anuragjs, ये टेलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। प्रियम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया वाला बता दीजिए भाई। देखो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग बात करें प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने कहाँ से लिया बताओ। प्रियम्बल जो है ना पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कहाँ पे आया पता है, USA में। उसके पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं होता था, तो हमें भी प्रियम्बल रखना है। ये हम लोगों ने आइडिया कहाँ से लिया है, ये आइडिया हम लोगों ने लिया USA से।
पर जैसे कि गाइस हम लोग बोलते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से हमारा प्रियम्बल चालू होता है ना, तो वैसे ही गाइस जब आप ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आज ओपन करके देखना तो वहां पे लिखा रहेगा वी द पीपल ऑफ न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया। तो ये जो लैंग्वेज इसको कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है, जो लिखने का तरीका है, ये जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, जो लिखने का तरीका है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्या करो, ऑस्ट्रेलिया का प्रियम्बल नेट में सर्च मारना और उसको रीड करना, और इंडिया का प्रियम्बल जो उसको सर्च मारना उसको रीड करना, दोनों में आप सिमिलैरिटीज पाओगे। तो बेसिकली गाइस प्रियम्बल का जो आइडिया था वो यूएसए का था, बट जो लैंग्वेज थी वो कहां से थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया से। यस और नो? हाँ जी, अभी किसी को कोई इशू है तो आप मुझे बता दो, ठीक है? हाँ जी गाइस, वेलकम गाइस, इंजीनियर गुरु आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? हाँ जी, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस? तो चले हम लोग सेशन को एंड करें। भाई मैं मैप से ही पढ़ाता हूँ, यस सर नो, मैं मैप से ही पढ़ाता हूँ आज, ये इसमें मैं मैप क्या बताऊँ, और मैंने स्टार्टिंग में मैप से ही की थी और धीरे धीरे अपन मैप के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो गाइस बिल्कुल आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको बता दूंगा, ठीक है? इंजीनियर्स गुरु एवरीवन गाइस, है ना? तो चलो मैं सेशन को अब एंड करता हूँ। हाँ बिल्कुल आसिम, तो अब हम लोग गाइस सेशन को यहाँ पे बिल्कुल एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम गाइस, है ना? बाय बाय गाइस, टेक केयर। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे सैटरडे से, या फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस, है ना? इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ कल मिडवेल की क्लास जैसी चल रही वो वैसी चलेगी, इवनिंग में कल मेरा सेशन नहीं होगा, तो उसके बाद से हम लोग फिर कंटिन्यू इसको आराम से कर लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो